हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी ईयर पैचिंग के बारे में। कमेंट्स आया था कि इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने इस पर वीडियो बना दी है। और एक और रिक्वेस्ट आई थी कि इस पर भी वीडियो बनाना है कि यदि एक कान में इन्फेक्शन होता है या एक कान में प्रॉब्लम होती है, छेद होती है, तो दूसरे कान में फ्यूम शुरू हो जाती है। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई तो थी, पर वो पता नहीं कैसे गलती से मिस हो गई है। तो उसकी भी मैं जल्दी ही आपको वीडियो बनाऊंगी। यदि आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो आए तो आप कमेंट्स कीजिए, और यदि आप कोई नए टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स कीजिए। और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि कभी कभी है ना, जब लाइक और व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो मन अजीब सा हो जाता है, करने का मन नहीं होता कि आगे और बनाओ। पर मेरा काम है बनाना, और मुझे अच्छा लगता है कि यदि मेरी वजह से किसी को थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है। और देखिए, मैंने हेयर्स पर भी वीडियो बना कर डाल के रखे हुए हैं, तो वो उसका ब्लाइंडनेस के बनाए हैं और हेयर फॉल के बनाए हैं। तो अभी और कंटिन्यू उनमें और आने वाली है। यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको देख सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे बाल काफ़ी बिगड़े बिगड़े से दिख रहे हैं, छोटे छोटे से बाल रह गए हैं। ये मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया था, और ये हमारे जो नए बाल हो गए हैं ना, वो हैं। तो कुछ दिनों तक मेरे बाल और मेरा चेहरा ऐसे ही दिखने वाला है, और मुझे लगता है कि आपको इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। पर ऐसे ही बता दिए कि दवाइयों ने काम किया है। और पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि मेरे कितना हेयर फॉल हुआ है और कितने सारे बाल मैंने आपको दिखाए थे, जो एक महीने के अंदर 7 दिन के अंदर के दिखाए थे, और सभी मैंने इकट्ठे करके रखे। लगभग लगभग इतने बाल हो गए। तो जब मेरे साथ कुछ होता है, मेडिसिन लेती हूँ, तो उसका आपको दिखाती रहती हूँ कितनी रिकवरी हो रही है। हाँ, तो अब हम आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है कि ईयर पैचिंग क्या होता है और किस तरह से होता है और किन केसेस में इनको यूज़ करते हैं। ईयर पैचिंग पर पैचिंग मतलब किसी दो चीज़ों को जोड़ देना। जब क्या होता है, हमारे कान में फट जाता है, छेद हो जाता है, तो जैसे हमारे शरीर में चोट लगती है, उसी तरीके से रिकवरी होती है कान के अंदर की भी। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि चोट ज़्यादा गहरी हो या रिकवर नहीं हो रही हो और ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं हो, तब इसमें नॉन सर्जिकल प्रोसेस होती है पैचिंग। पैचिंग ये समझिए, ये आपका कान का पर्दा है, इसमें छेद है, आप मेडिसिन लेते हैं, धीरे 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 करके ये हील हो जाता है और आपका पर्दा जुड़ जाता है, इस तरीके से जुड़ जाता है। और कभी कभी बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, कभी कभी पतला रहता है, या उसमें रिट्रैक्शन होता है, या उसमें मतलब जैसा नॉर्मल होना चाहिए उसकी थिकनेस वैसी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो फिर वो एक अलग चीज़ है, उस पर पहले वीडियो बनाई है मैंने। तो जब ये दो चीज़ें और ये हमारा पर्दा है, जो अगर इतना है और मेडिसिन लेने के बाद भी ये हील नहीं हो रहा है, हो सकता है एलर्जी की वजह से ना हो रहा हो, ये हो सकता है कि पर्दा ही ज़्यादा फट गया हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक पैच लेते हैं। पैच आप एक तरह का टुकड़ा पेपर पैच भी हो सकता है, या फिर आपका जो क्या मेम्ब्रेन होती है कान का पर्दा, जिसे हम बोलते हैं, वो आर्टिफिशियल पर्दा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो कान की कंडीशन क्या है, वो डॉक्टर देख के बताता है। तो उसको जैसे आप सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल आप समझ जाएंगे, जैसे आपके बचपन में साइकिल चलाई है या बाइक है, उसका ट्यूब में पंचर हो जाता, पंचर जिस तरीके से बनाते हैं ना, सेम वही प्रोसेस होती है आपके कान का। तो ये जो पर्दा है वो फटा हुआ है, और इसके ऊपर से एक और सपोर्ट के लिए कुछ लगा दिया जाता है, जो इन दोनों चीज़ों को ज्वाइंट करता है। तो क्या होता है, जब ये दोनों चीज़ें ज्वाइंट हो जाती है तो रिकवरी होने में आसानी हो जाती है, क्योंकि इनके बीच का गैप भर जाता है, उन्हें सपोर्ट मिलता है और वो जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। तो ये होती है पैचिंग। पैचिंग ज़्यादातर डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं, बहुत अगर आपको सबसे पहले तो सर्जरी ही करते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे अच्छे फायदे हैं। सर्जरी में आपको बार बार की प्रॉब्लम नहीं होती, जिस तरीके से आपको बार बार पैच लगा ट्यूब सुधरवाना पड़ता है या पंचर बनवाना पड़ता है, तो आपको प्रॉब्लम आती हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर इसको सजेस्ट नहीं करते हैं। तो पैचिंग एक नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, और उसमें आपको लगा दिया जाता है, पैच लगा दिया जाता है, जिसके कारण से वो दोनों ट्यूब आपस में जुड़ जाते हैं।
ट्यूब नहीं, आपका जो पर्दा है वो जुड़ जाता है। हाँ, अब इसके साथ में आपको डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक दे सकते हैं ताकि आपके जो कान में इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो तो वो ना हो, और ड्रॉप भी दे सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है, मैं फ़ोटो लगा दूँगी तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से पैचिंग होती है और इसकी हीलिंग किस तरीके से होती है। तो आई होप आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है, और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात है कि अभी जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का मुद्दा चल रहा है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी लोग दिल से उसको शेयर कीजिए। शायद हमारी कोशिश कुछ ऐसा कानून बनाने में कामयाब हो जाए, सहायता कर दे कि जिसके लिए लड़कियों और सभी महिलाओं का घर से निकलना और काम करना आसान हो जाए। जैसे कि पहले आपने सुना होगा, इंसान पहले जानवर था, पर आप लगता है कि इंसान बनने के बाद फिर से जानवर हो गया। लगभग 80 लाख लोग हैं जो इस तरह के काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं। आप सोच रहे हैं आप किन लोगों के बीच में, और हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनने कभी ऐसा काम किया हो, वो हो सकता है डिसलाइक भी करें। अगर आप इंसान हैं तो सुधरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे चलकर आप भी किसी के घर में बहन, बेटी, माँ या आपकी वाइफ, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।